नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुराने जमाने में समझाया जाता था, इंगित में समझाया जाता था, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भी काली जो है काल के ऊपर खड़ी हुई है, ये एक इंडिकेशन है कि फीमेल एनर्जी है जो कि काल से परे है, आदि शक्ति है। शिव जी के गले में एक सांप है, ये बताता है कि विशुद्धि चक्र ओपन है, क्योंकि सांप जो है, स्नेक जो है, ये एनर्जी की एक डिपिक्शन है। कहते हैं कि मूलाधार चक्र में 3.5 लेंथ का सांप है, मतलब आपके जो ये जो आपका बलिष्ठ है एक हाथ, आपके अपने हाथ से आप 3.5 हाथ के होते हैं, मतलब आपके फीट से लेके मेरुदंड के यहां नेक के पीछे तक नापा जाए तो आप अपने हाथ के 3.5 है। ये सिंबोलिक बातें हैं। तो राहु केतु को भी जो डिपिक्शन किया जाता है कि भाई कहते हैं कि राहु का दिखाया जाता है सर और केतु का दिखाया जाता है धड़, शरीर दिखाया जाता है, लेकिन ये उल्टा है। इसका उल्टा इसलिए है, इसे कहते हैं छाया। छाया, आप यदि आप कभी जब तालाब के किनारे जाके खड़े हो जाइए, जहां जलाशय है खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि आप जहां खड़े हुए हैं आपके पैर के नीचे जो आपकी छवि बनती है, प्रतिछवि बनती है, जल में जो बनता है छवि, ये उल्टा बनता है, रिवर्स बनता है। इसलिए ये कहना कि राहु सिर के ऊपर राज करता है और केतु धड़ के ऊपर राज करता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। केतु राज करता है सिर के ऊपर में और राहु धड़ के ऊपर में, आपके पैरों में। इसलिए राहु की दशा चलती है, मां दशा चलती है, और राहु आपके चार्ट में अच्छा नहीं हो तो भागने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है। अच्छा हो तो दौड़ भाग के जिंदगी में बहुत कुछ कमा लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं जीवन में। आप दौड़ भाग से सब कुछ मिलता है, परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, राहु आपको ऐसा कर देता है। राहु गलत हो तो क्या हो जाएगा, आप आलसी हो जाएंगे, उसका ठीक उल्टा होगा। जो राहु अच्छा फल देने से आपको जीवन में अग्रसर करने मदद करता है, वही राहु यदि बुरा हो जाए तो आपको आलसी बना देगा, शराबी बना देगा, व्यसनी बना देगा। राहु बहुत खतरनाक एनर्जी है। राहु को हम कहते हैं ग्रह, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ये तो ग्रह है ही नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये तो ऐसी बातें हो गई कि जैसे कहते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कहें कि इसकी अस्तित्व नहीं है, आप कहें करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई पड़ता है, इसके उसका इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। एटॉम में इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं पड़ता है, आप कहेंगे उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी प्रकार से मूर्खताओं की बातें करके हम कहते हैं कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो स्थूल रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कोई चीज दिखाई नहीं पड़ना इसका मतलब है नहीं कि वो चीज है ही नहीं। प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, आप नहीं कह सकते भाई जीवन में प्रेम नहीं है। घृणा दिखाई नहीं पड़ता, नहीं कह सकते घृणा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो चीज दिखाई नहीं पड़ता उसका प्रभाव मन में पड़ता, शरीर पर पड़ता है। आपका मन विषादग्रस्त है, आप सैडनेस में घिरे हुए हैं, आप गुस्से में हैं, एक इमोशनल स्टेट है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है आपको, लेकिन जैसे आपको गुस्सा आता है शरीर में कंपन होना शुरू होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। क्यों, कौन बढ़ाता है? क्या कोई पंप मार रहा है अंदर में आपको? क्या धड़कनों कोई तेज धक्का मार रहा है? कोई धड़कने कैसे बढ़ गई, बीपी कैसे बढ़ गया आपका? मन उदास है तो एकदम स्लो हो जाता है, सब कुछ मंथर गति में हो जाता है। कौन स्लो कर दे, किसने ब्रेक लगा दिया क्या? तो ये इमोशन जो दिखाई नहीं पड़ती है, ये आपके हार्मोन्स को कैसे प्रभावित करती है? तो जो थॉट्स भी हैं, जो इमोशंस भी हैं, उसमें भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। ये पूरा ब्रह्मांड कायनात एनर्जी ही है। तो इसी प्रकार से राहु भी एक एनर्जी है, वैसे भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका रेंज जो है ये इंफ्रारेड, मतलब माइक्रोवेव और रेड कलर के बीच में जो रेंज है, इसे कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नेकेड आई से अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ऐसे कहते हैं छाया। केतु को भी वैसा ही है, केतु आपका है अल्ट्रावायलेट, वायलेट से ऊपर। केतु का मंत्र क्या कहता है? पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम, तारका मतलब स्टार्स, उसके ऊपर जो रहता है और दिखता कैसा है? पलाश पुष्प, वायलेट कलर का दिखता है। इसलिए केतु का स्थान में यहां कहता हूं मैं, एकदम उल्टा कहता हूं। आज अब तक जो सुने हुए ये मैं जो बातें कह रहा हूं, इट इज एब्सोल्यूट रिवोल्यूशनरी एंड समथिंग ऑफ विट। यदि आप मुझसे सहमत हैं, मेरे लॉजिक से सहमत होइए, अदरवाइज यू हैव योर ओन चॉइस। राहु जो है नीचे का स्थान है, राहु इसलिए है कि रेड कलर
ये इंफ्रारेड मतलब रेड कलर के भी नीचे, आप जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का, रेड कलर ग्रीन कलर, ग्रीन से रेड जो है वेवलेंथ इसका बड़ा होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेड कलर की कम है ग्रीन कलर से। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ आपका छोटा होता जाएगा, इसलिए नीचे बेस लेवल पे जो होता है रेड कलर उसके अंदर, उसके ऊपर में ऑरेंज कलर, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर डार्क ब्लू इंडिगो, फिर वायलेट। दिस इज हाउ द ट्रायंगल बनता है। ये जो चर्च हैं, मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, पिरामिड्स हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में क्यों है, इसी कारण से है। शायद आप गूगल करेंगे ये पता लगाने के लिए कि भाई ये किस प्रकार से ट्रायंगल कैसे बनता है, क्यों बनाया गया ट्रायंगल, तो आपको शायद ही उत्तर मिले, लेकिन इस लॉजिक को अप्लाई कीजिए आप समझ जाएंगे क्या है। तो केतु हो गया यहां और राहु हो गया नीचे, मतलब रेड कलर के नीचे, और केतु जो है वायलेट से भी ऊपर, मतलब आपका सर जो है इसके ऊपर अनंत आकाश ब्रह्मांड की बातें मैं कर रहा हूं, वो है केतु का स्थान, तारक का ग्रह मस्तकम। तो यहां से आती है आपको सब ज्ञान की बातें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग केतु देता है आपको। केतु आपके चार्ट में अच्छा नहीं होगा तो आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आएंगे नहीं, ट्रेडिशनल थॉट में ही आप घुसे रहेंगे। केतु खराब होगा तो एंग्जायटी पैदा कर देगा, एंग्जायटी न्यूरोसिस पैदा कर देगा। केतु खराब होगा तो मन में उलूल जुलूल विचार आते रहेंगे, हरदम चिंतित रहना, कंफ्यूज रहना जीवन में, केतु ऐसा कर देता है। लेकिन केतु अच्छा हो तो अनायास धन प्राप्ति का योग बनाता है, सडन गेन ऑफ वेल्थ, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक गांव में गति करने में मदद करता है केतु आपको। केतु का स्थान यहां है, यहां शनि थर्ड आई को जो रूल करता है उसके ऊपर ही केतु। अब जैसे जैसे नीचे से आप मूलाधार चक्र राहु का है उससे ऊपर आते हुए आप शनि के यहां पहुंचेंगे थर्ड आई, फिर केतु सहस्रार चक्र एंटीना है केतु, मैं जैसे कहता हूं। सहस्रार चक्र का आप वीडियो देखिएगा, मेरे इसी चरण में है, उसमें कहता हूं कि ये दिस लाइक एंटीना जो कि ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रह्मांड केतु का एंटीना के माध्यम से। राहु उसका ठीक अपोजिट, एकदम अदर एक्सट्रीम पर राहु है। जैसे ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, तो ये दोनों छोर जो है इसी के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड मतलब हमारा ब्रह्मांड, कहते हैं कि यूनिवर्स नहीं है एक, यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स मतलब एक, यूनिवर्स नहीं है मल्टीवर्स की बातें होती हैं आजकल, ऐसे ब्रह्मांड कितने हैं, करोड़ों अरबों कितने हैं हमको मालूम ही नहीं है, हम तो हमारी ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं, हम तो सौरमंडल से आगे बाहर जा नहीं पाए, हम अपनी बातें करते हैं। राहु केतु जो है, जब आपका सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब चीजें राहु केतु के कारण से होता है, एक्सिस से होता है। राहु यदि आपके चार्ट में अच्छा नहीं हो तो क्या होगा, मन में विचारता आएगी, रेस्टलेसनेस पैदा हो जाएगा। राहु आपको सन्यासी बना सकता है, और यही राहु अच्छा हो तो आपको दे सकता है कार्यक्षमता, गौरव, सम्मान, मान, पदवी, राजपद, प्रमोशंस, विदेश यात्रा का योग बनना, इस प्रकार से चीजें देती हैं। राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं हरदम। यदि प्रथम भाव में राहु बैठा होगा तो केतु कहां होगा, सप्तम भाव में होगा। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा होगा तो केतु कहां होगा, अष्टम भाव में होगा। और केतु अष्टम भाव में होगा तो द्वितीय भाव में राहु होगा, सप्तम भाव में राहु होगा तो प्रथम भाव में केतु होगा, अपोजिट बैठते हैं ये लोग। दैट इज हाउ द बैलेंस एवरीथिंग। बाकी जो ग्रह कहीं कहीं बैठ सकते हैं, राहु केतु जो अपोजिट बैठते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठते हैं, मतलब एक ही एनर्जी के दो छोर हैं, इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट तक। दोनों यदि ऐसे बैठे हुए हैं कि बाकी सभी ग्रह एक तरफ चले जाते हैं, हमसे कहते हैं काल सर्प दोष, मतलब इस काल खंड में जो आपकी गति हो रही है, सर्प सर्प के पैर नहीं होते हैं तो क्रॉल करना पड़ता है, तो जिसका काल सर्प दोष होता है मैं कहता हूं कि उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काल सर्प दोष से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन संघर्ष कम हो जाएगा, है ना, संघर्ष मिट जाएगा, संघर्ष कम हो जाएगा। आपने यदि काल सर्प के बारे में वीडियो देखा नहीं हो तो इसी चरण में आप जरूर देखिएगा, काल सर्प दोष से मुक्त मुक्ति कैसे पाए, रुद्राक्ष माध्यम से 8-9-11 मुखी, 8-9-10 मुखी काल सर्प यंत्र, इसके बारे में उसमें विवरण दिया गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो राहु केतु किस प्रकार से चार्ट में है उससे आपको
किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है, किस प्रकार से आपको सहायता कर लेते हैं, किस प्रकार से बाधक बन जाते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा 9845124158 एक स्टूडियो सेशन बुक करने के लिए। रुद्राक्ष का इसमें क्या प्रयोग है और जेमस्टोन का क्या प्रयोग है, मैं कहता हूं राहु के लिए जो होता है ना गोमेद हेसोनेट जो कहते हैं, और केतु के लिए होता है कैट्साई, लहसुनिया भी कहते हैं इसको। मैं ये दोनों जो जेमस्टोन है इसको प्रयोग करने से लोगों को आग्रह करता हूं कि कृपा करके कालसा दोष के लिए या राहु केतु को शांति के लिए आप इनका प्रयोग ना करें। रुद्राक्ष का सहारा लीजिए, रुद्राक्ष आर द बैलेंसेस। तो आठ मुखी केतु के लिए, नौ मुखी राहु के लिए भी कंट्रोवर्शियल है, कुछ कहते हैं आठ मुखी राहु के लिए और नौ मुखी केतु के लिए है। इसके ऊपर ही वीडियो बनाए हुए हैं, आठ मुखी नौ मुखी के बारे में वीडियो बने हुए हैं, आप जरूर देखिएगा, विस्तार से उसमें हमने चर्चा की हुई है। तो राहु केतु आपको दे सकते हैं ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सडन गेन ऑफ वेल्थ, पराक्रम, साहस, पावर, सत्ता, प्रमोशंस, और ये ऐसे भी कर सकते हैं, सन्यासी बना सकते हैं, पागल कर सकते हैं, जीवन को खत्म कर सकते हैं। जैसे मानिए राहु बैठा हुआ है आपके शादी वाले घर पे, शादी को तोड़ देगा। केतु बैठा है, एंग्जाइटी पैदा कर देगा, उदाहरण दे रहा हूं। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, एवर्सन करता रहेगा। यदि स्त्री के भाव में पंचम भाव बैठा है, 90% केसेस मैंने देखा हुआ है कि जो कंसीव कर नहीं पाती है, एवर्सन होता रहता है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ ऐसा होता रहता है। राहु और सूर्य ग्रहण दोष लग जाता है, आत्मा में कष्ट रहेगा। तो नौ मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे और सूर्य के लिए 12 मुखी और 3 मुखी पहनेंगे, 3, 5 और 9 पहनेंगे। चंद्र ग्रहण का दोष लग जाएगा, चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठ जाएगा, राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो जाएगी, तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपका हो गया चंद्रमा के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया राहु के लिए। यदि राहु और गुरु साथ में बैठ गए, गुरु चंडा दोष बनता है, आपके पास नॉलेज बहुत होता है बट यू मिस यूज द नॉलेज। गुरु चंडा दोष का मतलब ये है कि आप उस ज्ञान को डिस्ट्रक्शन के लिए, ध्वंस के लिए व्यवहार करेंगे जो कि अच्छा नहीं है, खुद को ही हानि पहुंचा लेंगे आप, मतलब खुद का नॉलेज ही आपका बंधन का कारण बन जाएगा और नुकसान कर लेंगे आप। जैसे एक कोई टेररिस्ट है, उसको बहुत नॉलेज है वेपन के बारे में, बॉम्ब्स के बारे में नॉलेज है, नॉलेज काफी उसके पास में है, मतलब गुरु स्ट्रांग है, नॉलेज है, राहु बैठा हुआ है, तो वो नॉलेज को डिस्ट्रक्टिव ढंग से इस्तेमाल करेगा। मतलब केवल आप जानते हैं ना कि चोर एक कदम आगे रहता है पुलिस से, ये ऐसे लोग होते हैं जिसका गुरु बड़ा स्ट्रांग होता है, राहु के साथ बैठा होता है, मतलब नॉलेज तो बहुत है, इंटेलिजेंस तो बहुत है, लेकिन गलत ढंग से इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के जो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन बनाएंगे, उससे न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, और कुछ साइंटिस्ट ये होंगे जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। नॉलेज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गुरु और राहु वाले ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, गुरु और राहु वाले ये सब टेररिस्ट बनेंगे, इस प्रकार के मिसयूज करेंगे एनर्जी का, नॉलेज का मिसयूज करना, ये हो जाता आपका ये राहु और गुरु के साथ में बैठने से। राहु और शुक्र होंगे तो क्या होगा, ऐसे आदमी यदि पुरुष आप हैं तो ऐसी स्त्रियों के साथ में संबंध बनाएंगे जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, मतलब यू गो टू प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसे लड़कियों के साथ मिलेंगे जिनको कि आपको गुप्त रोग हो सकते हैं, एड्स वगैरह हो सकते हैं, समाज में आपके सम्मान की हानि हो सकती है, ये कर सकता है। राहु और शनि बैठ जाए साथ में तो जो इंट्यूशन आपकी इंट्यूटिव पावर है उस पर डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, आप गलत गलत चीजें करेंगे जीवन में करेंगे। तो राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने से उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। राहु अच्छा भी है, बैठा होगा तब भी आपको गलत गलत प्रभाव डाल सकता है, इसे विवेचन करना जरूरी है। बिना सोचे समझे, बिना जाने गोमेद पहन लेना, कैटसाई पहन लेना, ये सब चीजें आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जैसे केतु की बात कर रहा था, केतु बैठ जाए चंद्रमा के साथ में एंग्जाइटी पैदा कर देगा, तो केतु को ठीक करना है। आप उसमें नौमुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, जैसे कहते हैं कि नौमुखी केतु के लिए कुछ लोग कहते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहता हूं 8 मुखी पहन के देखिए। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके एक बार मेरी बात को सुनकर आप प्रयोग करके देखे तो सही, जीवन में प्रयोग करके जो रिजल्ट आए हुए हैं उसी के आधार में आपसे कह रहा हूं मैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान होना, खाली ज्ञान होने से कुछ फायदा होता नहीं है। शिव क्या कहते हैं शिव सूत्र में, ज्ञान
बंधन का कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है? ऐसे ज्ञान जो अनुभूत ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंशियल नॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे जो भी बातें करता हूँ एक्सपीरियंशियल नॉलेज से बातें करता हूँ, अनुभूत से बात करता हूँ, रिसर्च से बातें करता हूँ, लोगों को जो चीज दिया हुआ है और फीडबैक आया हुआ है उसी के तहत मैं आपसे बात करता हूँ। केवल किताब में लिखा हुआ है, किताब में कोट कर अमुक किताब में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जीवन में जो जीवंत है चीजें, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। जो परीक्षा से पास हो उसी को ही एडवाइस करना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं कि केतु के लिए आठ मुखी, नौ मुखी राहु के लिए इस्तेमाल करें। कालसा दोष है तो आठ मुखी नौ मुखी दोनों का इस्तेमाल करें। तो राहु की महादशा में यदि सूर्य की चल रही हो महादशा, वो अंतर्दशा चल रही हो राहु की, प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रा फोर्स है। चंद्रमा की चल रही है महादशा, अंतर्दशा चल रही है केतु की, या केतु की चल रही है महादशा, चंद्रमा की चल रही है अंतर्दशा, एंग्जाइटी पैदा हो जाएगा, एंग्जाइटी न्यूरोसिस पैदा हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें हो जाती है राहु केतु से। तो राहु केतु का सोचा था मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये दोनों हरदम एक दूसरे के सामने रहते हैं और ये दोनों कंबाइंड ढंग से इस प्रकार से काम करते हैं कि मैंने फिर बाद में सोचा कि राहु केतु का एक ही वीडियो बना लेते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं। राहु केतु के लिए जेमस्टोन का इस्तेमाल ना करें, आप रुद्राक्ष का इस्तेमाल करें, सेफ रहेंगे। चाहे कंट्रोवर्सी जो भी हो आठ मुखी नौ मुखी बारे में, आप दोनों पहन लीजिए ना, राहु केतु का दोनों को शांति हो जाएगी, कालसा दोष होगा तो उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो जेमस्टोन से बचें, रुद्राक्ष पहने राहु केतु के इशू के लिए। केतु का संबंध जो है चंद्रमा के साथ में बताया मैंने, सूर्य के साथ में भी कंफ्यूजन पैदा करता है, कौन से घर में बैठने से फायदा करता है, कौन से घर में से हानि करता है, ये भी इसका एक अलग सिस्टम होता है जानने का। फॉर एग्जाम्पल आपके सिक्स हाउस में राहु बैठा हुआ है, जबकि सिक्स हाउस में डिजीज है, लेकिन राहु यहाँ बैठने से क्या करता है आपको? शत्रु संहारक बनाता है। मतलब आपके दुश्मन तो पैदा होंगे लेकिन उन दुश्मनों को आप नाश कर सकते हैं, क्योंकि तो यदि राहु आपके बैठा हुआ है छठे वाले घर पे बैठा हुआ है तो आपको शत्रु संहारक बनाता है। कहाँ देखेगा? वहां से पांचवें घर, सातवें घर, नौवें घर को देखेगा। पांचवें घर में कहाँ देखेगा? छठे घर से एक दो तीन चार पांच काल क्षेत्र को देखेगा, छह सात बारह घर को, बारहवें घर को देखेगा। तो उसमें क्या होगा? विदेश आने का योग बनाएगा, काम में आपको मदद करेगा। राहु काल क्षेत्र को जब देखता है तो क्या करेगा? आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने में आपको सहायता करता है, पावरफुल लोगों से जुड़ने में आपको सहायता करता है, विदेश जाने का योग बनेगा। 12th हाउस में विदेश आप सटल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थान में बैठते हैं तो राहु केतु का अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसके बारे में विवेचन करने चलेंगे तो फिर ये तो बहुत घंटों घंटों लगेंगे, कुछ दिन लग जाएंगे बनाने के लिए। एक ग्रह के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजर बनाना नहीं है, मकसद ये है कि थोड़ा आपको इंटरेस्ट पैदा किया जाए, थोड़ी जागरूकता पैदा किया जाए कि आप भी समझे कि हाँ ये जो एनर्जी होती है बड़ी पावरफुल होती है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइडेंटिफाई पहले करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करके देखना है कि आपके राहु केतु कैसे चार्ट पे हैं, आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं है। अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि अच्छे नहीं है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से किया जाए, क्या करें, इस सब के बारे में मैं आपको एडवाइस देता हूँ, रुद्राक्ष भी देता हूँ। मुझसे आप संपर्क करना चाहते हो तो 9845124158 पर संपर्क करें। और मेरी वेबसाइट देखिएगा santoshsharma.com, अगले वीडियो में और कुछ नई चीज लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। मैं एक नया साइंटिफिक लॉजिकल वे में बात करने की मैं कोशिश करता हूं कि आपको डॉगमेटिक ना बनाऊं, भाग्यवादी ना बनाऊं, आई वांट टू एम्पावर यू। एस्ट्रोलॉजी को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, इसको मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल तब तक करेगा जब तक आप कॉन्शियस नहीं है प्रोग्राम के बारे में। एक बार कॉन्शियस हो गए, आप जिम्मेदारी ले ली, आप समझ गए किसको क्या करना है, बस उसके बाद में उसका यूटिलिटी खत्म हो गया, इतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपसे विदा लेता हूं मैं, विंग कमांडर संतोष शर्मा, बेंगलुरु इंडिया से। अपना सेहत का ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।